नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेट इन्फोवेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ ओखा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन की। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। दोस्तों, यह ट्रेन ओखा से गोरखपुर जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 150/46। यह मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इस ट्रेन का ट्रैवल टाइम जो है वो है 46 घंटे 25 मिनट। यानी कि यह ट्रेन अपनी दूरी 46 घंटे 25 मिनट में कवर करती है। और ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है वो है 2303 किलोमीटर। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड इस रूट पर है दोस्तों 50 किलोमीटर पर आवर। और इसके तकरीबन 39 स्टेशंस हैं। यह ट्रेन हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन चलती है, रविवार के दिन। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास के डिब्बे अवेलेबल हैं। सेकंड एसी का किराया है 3,035 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 2,050 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 770 रुपये। जर्नल और अनरिजर्व डिब्बे भी अवेलेबल हैं इसके अलावा, जिसका किराया है 442 रुपये। यह अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर ज़रूर कंफर्म कर लें। इसमें पेंट्री कार्ड भी शामिल है, जहां से हमें फूड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके टाइम टेबल की और इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं उनकी। यह ट्रेन ओखा से रात के 9 बजे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। यह ट्रेन हर मंगलवार को ओखा से गोरखपुर की तरफ रवाना होती है। इसका अगला स्टेशन आता है द्वारका, जहां पर यह रात के 9:23 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है खंभालिया, जहां पर यह 11 बजे रात को पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है जामनगर, जहाँ पर यह 11:59 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला जो इसका स्टेशन है दोस्तों वो है हापा, जहां पर ये 12:30 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन है राजकोट जंक्शन, जहां पर ये 2 बजे रात को पहुंचती है और इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। इसका जो अगला स्टेशन आता है दोस्तों वो है वनकानेर जंक्शन, जहाँ पर ये 2:59 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है सुरेंद्र नगर, जहां पर ये 4:06 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है विरमगल जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 5:13 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है दोस्तों अहमदाबाद जंक्शन, जहां पर ये 6:25 पर पहुंचती है। अगला जो इसका स्टेशन आता है वो है आनंद जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 7:51 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन है वो है वडोदरा जंक्शन, जहां पर ये 8:40 पर पहुंचती है और इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। इसका जो अगला स्टेशन आता है दोस्तों वो है गोधरा जंक्शन, जहां पर ये 10:01 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला जो स्टेशन आता है वो है रतलाम जंक्शन, जहाँ पर ये 12:50 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है नागदा जंक्शन, जहां पर ये 1:43 पर पहुंचती है और इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। अगला इसका स्टेशन है उज्जैन जंक्शन, जहां पर ये 2:40 पर पहुंचती है और यहां पर इसका 20 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला स्टेशन आता है मक्सी जंक्शन, जहां पर ये 3:48 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला जो इसका स्टेशन आता है दोस्तों वो है शाहजहांपुर, जहां पर ये 4:13 पर सुबह शाम को पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है ब्यावरा राजगढ़, जहां पर ये 6:52 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है।
अगला इसका स्टेशन है रुठियाई जंक्शन, जहाँ पर ये 7:25 पर पहुँचती है शाम को और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है गुना जंक्शन, जहाँ पर यह 8:10 पर पहुँचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है अशोक नगर, जहाँ पर यह 9:08 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला जो इसका स्टेशन आता है वो है मुंगावली, जहाँ पर यह 10 बजे रात को पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है बीना जंक्शन, जहाँ पर यह 11:55 पर पहुँचती है और 25 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है झांसी जंक्शन, जहाँ पर यह 3:05 पर पहुँचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों ग्वालियर जंक्शन, जहाँ पर यह 4:25 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। अगला इसका स्टेशन है मोरेना, जहाँ पर यह 4:55 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है धौलपुर जंक्शन, जहाँ पर यह 5:38 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है दोस्तों आगरा कैंट, जहाँ पर यह 6:50 पर पहुँचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है राजा की मंडी, जहाँ पर यह 7:05 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन है टुंडला जंक्शन, जहाँ पर यह 8:25 पर पहुँचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है इटावा जंक्शन, जहाँ पर यह 9:28 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है कानपुर सेंट्रल, जहाँ पर यह 11:55 पर पहुँचती है और 15 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है दोस्तों वो है ऐशबाग, जहाँ पर यह 1:37 पर पहुँचती है और 15 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला जो इसका स्टेशन है वो है बादशाह नगर, जहाँ पर यह 2:15 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है बाराबंकी जंक्शन, जहाँ पर यह 3:03 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन है दोस्तों वो है गोंडा जंक्शन, जहाँ पर यह 4:25 पर पहुँचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। सेकंड लास्ट जो इसका स्टेशन आता है दोस्तों वो है बस्ती, जहाँ पर यह 5:47 पर पहुँचती है और यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉप है। आखिरी जो इसका स्टेशन आता है वो है गोरखपुर जंक्शन, जहाँ पर यह 7:25 पर पहुँचती है और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। यहाँ तक ये अपनी 2303 किलोमीटर की दूरी जो है वह कवर कर चुकी होती है। इसी के साथ ओखा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।